में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बवीना कस्बे के न्यू दशहरा ग्राउंड में खेल दिवस 29 अगस्त के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सरमन अहिरवार पहलवान की पुण्य स्मृति में बुंदेलखंड चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसके आयोजक दीनदयाल अहिरवार द्वारा बताया गया है कि दंगल में दिल्ली, हरियाणा, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, इटावा, मैनपुरी, भोपाल, इंदौर, दतिया आदि कई जगहों के पहलवानों द्वारा दाव पेश दिखाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी संजय राय अबकारी ठेकेदार द्वारा की जाएगी। बाहर से आए पहलवानों के रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। कुश्ती जीतने वाले पहलवानों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकर्षक इनाम दी जाएगी। दंगल का आयोजन दोपहर 12 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो देर रात्रि तक चलेगा। इस बार का दंगल दर्शकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि नगर में पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता को मेट पर कराई जाएगी। इस मौके पर बैठक में चंद्र प्रकाश राय, गोविंद सिंह टपरियन, शौकत अली पहलवान, जीमल चच्चा, शंकर पहलवान, रमन पहलवान, कमलेश सोनी, ऋतिक सोनी, हेमंत सेन, हंसराज अहिरवार, दयानंद अहिरवार, लोवनिक राय आदि मौजूद रहे। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक राइन की रिपोर्ट। दीनदयाल पहलवान के पिताजी सरमन पहलवान का हम स्मृति दिवस मनाते हैं हर बार, और 14 वर्ष हमने लगातार ये दंगल मिट्टी पर किया। इस वर्ष हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, इस दिन इनका विशेष दंगल होगा बुंदेलखंड के श्री स्तर का, जिसमें बाहर के तमाम स्थानों के पहलवान आमंत्रित हो चुके हैं, जिनकी हमें आने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। लगभग 100 पहलवान इस दंगल में भाग लेंगे, जिन्हें भोजन की और ठहरने की व्यवस्था पंचायत भवन में की गई है। कितनी तारीख का कार्यक्रम? ये 29 अगस्त का है और 28 को हम भजन लिखेंगे यहीं पर गणेश व्यायामशाला में। इस बार बबीना में कुश्ती आमतौर पर जो मिट्टी में आप लोगों का बनाया जाता था, कुश्ती जिसमें होती चली आई है, सुनाई में आया है कि बबीना गणेश मंदिर व्यायामशाला की तरफ से इस बार मैट पर कुश्ती होना है, ऐसा कुछ उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मिट्टी का तो हम लोगों ने बहुत कुश्ती करा ली है। 14 बार तो इन्हीं की पिताजी की याद में हुई, पहले 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत दंगल हुआ करते थे पुलिस ग्राउंड में बबीना में, और इस बार हम लोगों ने मीटिंग में ये तय किया है कि जो पॉइंटों की कुश्ती के आधार पर एक अच्छे स्तर के पहलवान बन सकते हैं, जो रोजगार से भलीभूत परिचित हो सकते हैं, इन्हें नौकरियां भी मिल सकती हैं, क्योंकि मिट्टी में केवल पुरस्कार मिलते हैं और नौकरियां वंचित रहते हैं पहलवान लोग। तो ये पहली बार बबीना के अंदर एक मैट पे कुश्ती होने जा रही है, जो सीधा आपका संदेश। जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक, बबीना के नगरवासी, जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि समय का ध्यान रखते हुए सभी जनता आ जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 12 बजे कुश्ती आरंभ कर देंगे हर हालत में। हाँ, महिला कुश्ती भी है जो हरियाणा और दिल्ली से आ रही हैं, दो महिला, लेकिन कुश्ती सभी की महिलाओं के भी पॉइंटों के आधार पर होगी। उसके सिलसिले में सर बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय खलीफा जी ने हमारे पिताजी की याद में ये भूमिका रखी थी कि दंगल कराएंगे, तो इस दंगल को हम विधिवत रूप से 14 बार कर चुके हैं और इस बार सारी मीटिंग होकर गद्दे पे कराना चाहते हैं, वेट कैटेगरी के अनुरूप, जैसे कि 50 है, इसमें वजन 57 है, 61 है, 65 है और 74 है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव सिंह पारीछा विधायक बबीना होंगे और अध्यक्षता संजय राय जी कर रहे हैं। सोलिस ट्रैक्टर का नया शोरूम अब आपके शहर मऊरानीपुर में, तो आज ही संपर्क करें राजपाल मोटर्स से, जिनका पता है गुरसराय रोड मऊरानीपुर झांसी। अभी लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।